ना मेरे मुंह पे क्या क्या लगा हुआ है, दिखाओ दिखाओ जरा इनको। असल में मुंह धोने जा रहा हूं, फेस वॉश लगा रहा हूं यार। नींद भी ना आए उस वजह से ना पहले हमने मुंह धोने का इंतजाम कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी शेडी हो गए हैं और लड़का इंटरव्यू करने के लिए तैयार शैयार हो रहा है भाई। इससे मेकअप वगैरह कर लिया और सुरमा वगैरह लगा लिया और कैमरे वैमरे सेट हो गए भाई। मैंने चल रहे अली भाई कैसे मिजाज है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के लिए। यार अभी हम तकरीबन जेल में पहुंच गए हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है व्लॉग का, पहला लंबा हो जाता है इसलिए मैंने डाला नहीं। दूसरा पार्ट है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह सुबह का टाइम है तो सोचा यार नाश्ता वाश्ता कर लें। रिजवान भाई बैठे हैं, अहमद भाई नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लें उसके बाद आपको अच्छी वाली जो सीन है ना वो बताते हैं भाई। अहमद भाई कैसा टेस्ट है? अच्छा है, ज़बरदस्त है। अहमद भाई कैसा टेस्ट है? अच्छा चलिए, ये ना अभी लोग चक्कर में नाश्ता ना हो भाई, हम भी नाश्ता। ये देखो ना मेरे मुंह पे क्या क्या लगा हुआ है, दिखाओ दिखाओ जरा इनको। असल में मुंह धोने जा रहा हूं, फेस वॉश लगा रहा हूं। आ दो यार फटाफट। यार नींद भी ना आए उस वजह से ना पहले हमने मुंह धोने का इंतजाम कर लिया। सब लोग ना देख के मुझे ऐसे रहे कि मैंने जूता कौन सा पहना है भाई। जूता मैंने गाड़ी में रखा हुआ है तो मैंने चप्पल इसलिए पहनी थी, रास्ता 6-7 घंटे का था। मैंने कहा यार गर्मी ना लगे इसी वजह से शूज पहन नहीं पाए। आ जाओ भाई, ये भी साथ में रखा मैंने, ये भी ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी शेडी हो गए हैं और लड़का इंटरव्यू करने के लिए तैयार शैयार हो रहा है भाई। इससे मेकअप वगैरह कर लिया और सुरमा वगैरह लगा लिया है और कुदरती समझती नहीं बात हूँ भाई। ये एक तो कुदरती खूबसूरती है, एक मेकअप आपने किया, तीसरा आईफोन की खूबसूरती आ रही है। सारा शीशा अपनी तरफ किया हुआ है, लगा रहा है भाई तैयार। हम देखें देसी बंदे, हम तैयार नहीं होते। हमने तो जूता भी देखे देसी वाला पहना हुआ भाई, हम तो ऐसे ही हैं भाई। अभी खैर जाते हैं, इंतजार करते हैं क्योंकि नाश्ता वाश्ता अभी किया था। नाश्ता बहुत जबरदस्त था यार, भाई नाश्ते के बारे में रिव्यूज दे यार। नाश्ता तो ये कि आज भी हाथों में जायके मौजूद है। रिजवान भाई बताओ नाश्ता कैसा था? बेहतरीन था यार, बहुत अच्छा नाश्ता था। खैर अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, फिर आगे आपसे इंशाल्लाह कोशिश है कि वहीं पे मुलाकात हो जिस काम के लिए हम आए हैं, अल्लाह करे। ये सारा आर्मी का है यार भाई, आर्मी का सारी जगह। ले हम तकरीबन अपनी जगह पे ही पहुंच गए हैं। ये है वो जगह केक एंड बेक और यहाँ ऊपर जाना हमने बिल्डिंग में इंटरव्यू करना। ये रिजवान है और अहमद तैयार हो रहा है भाई। ये इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। हाँ, और मेरा जो किरदार है वो भाई नॉन पीडीएम मुफ्ती का भी लग रहे हो। नॉन पीडीएम मुफ्ती का भी लग रहे हो। नॉन पीटीए मुफ्ती का भी लग रहा है कसम से, नॉन पीटीए लग रहा है भाई।
नॉन पीटी मुफ्ती ऊपर वाला ये तो नहीं लग रहा। रहने दे, फोन आ रहा तुम्हें पूरा। नॉन पीटी मुफ्ती का भी लग रहा है यार। ये सारा जो है ना, सारा क्या सारा जो है वो कैंट का है, वो आर्मी का है सारा। और इतना खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत, इतनी सफाई है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता यार। तकरीबन जेल हम एंटर ही जब होते हैं ना, तो ये कैंट का इलाका एंटर होता है, मतलब स्टार्ट था कैंट का इलाका। और इतना खूबसूरत बनाया ना यार, मैं दिखा नहीं सकता, वहाँ पे वीडियो नहीं लगाता क्योंकि आर्मी का है, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं मैंने बनाई ना। बहुत खूबसूरत यार जगह यार। खैर आगे चलते हैं ऊपर और आपको जाके दिखाते हैं हम किस शख्सियत से मिलने आए हैं। वैसे मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, और वैसे भी जब टाइटल लगाया है और हमने लगाया है, हमने उस वजह से भी आपको अंदाज़ा, ये भी सामने भी आर्मी है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यही फाइनली हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। ये देखिए भाई, ये एंट्रेंस हो गई है, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। देखिए यार, ये यहाँ पे कौन बैठता है, ये हमारे शिकरे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आना है अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने। कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो नीचे उतर के आ जाए, कुर्सी में नहीं बैठे। मैं तो नीचे उतर के आ, अगर रिजवान भाई ऊपर बैठे, लेकिन रिजवान भाई अगर आपका किसी ने पूछा ना, मैं कहूँगा घुरते हुए दिख रही हूँ, मैं कहूँगा घुरते हुए दिख रही हूँ। मैं बोलूँ कि रिजवान भाई के घुरते में तकलीफ है, इसलिए रिजवान भाई ऊपर बैठे हैं। बाकी तकरीबन हम सब नीचे आ गए, रिजवान भाई का तो जेन्युइन मसला है ना, जिस वजह से रिजवान भाई बैठे हो। असल में ना मैंने इनको लेके जाना दोबारा वापस फैसलाबाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है नींद, क्योंकि रात 12 बजे से ड्राइव में कर रहा हूँ। तो मैंने रिजवान को बोला, रिजवान भाई, रिजवान भाई, भाई रिजवान ऐसे सर चास दो मेरा, भाई नींद आ रही है, मैंने आपको लेके जाना भाई अच्छे से यार, दोनों हाथों से कर दो यार रिजवान, ऊपर से ऐसे यहाँ यार कर दो यार जवान, दो मिनट भाई, गुजरात ला देना। A few moments later, और लाहौर से आए थे तीन भाई जिनके मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, जो कि इंजीनियर को सुनते हुए एक तो वहाँ बिल्कुल ही लम लेट हो गया। Three hours later. अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेट वेट लग रहा है और मेरी भी लोगों भी चल रही है साथ साथ। खैर चले, इंजीनियर साहब आ गए और बिहाइंड द सीन चल रहा है भाई। कैमरे वैमरे सेट हो गए भाई, मैंने कैमरों से भी बनेगा, और यहाँ पे अहमद भाई बैठ गए हैं, यहाँ पे इंजीनियर साहब बैठेंगे भाई, और खैर वो इंजीनियर साहब वहाँ खड़े हैं, तो ये बिहाइंड द सीन चल रहा है भाई। चल रहे अली भाई, कैसे मिजाज है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मगर आप खुद को मोहम्मद अली मिर्ज़ा के क्या वजह, आप अलामत नहीं लगाते? अलामत लगाने का फायदा नहीं है, उसकी वजह है कि इस वक्त इस मॉडर्न दौर के अंदर आप कोई एज सच इतनी इज्जत वाली डिग्री है ना, ये तो वैसे मैंने के दौर पर बात, एक्चुअल बात तो ये है कि पाकिस्तान में वो लोग अपने साथ में डिग्री लगा सकते हैं जो पढ़ाई से डिग्री क्वालिफिकेशन जो मदारी से हासिल की जाती है, वो लोग अपने साथ देते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मौलवी मुफ्ती मौलाना लिखा जाता है, अहले तशय्यो के यहाँ आयतुल्लाह लिखा जाता है, कि मरकज से इस उम्मत को रबी वाला काम शिफ्ट हुआ, क्योंकि काम बहुत बड़ा था इसलिए उम्मत का मरतबा बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो काम जिस काम को करने आए थे हम इस्लामाबाद से डायरेक्ट दोबारा जेलम आए थे,
तो इंटरव्यू करना था हमने इस्लामाबाद, थोड़ा सा घूमना था वहाँ पे, लेकिन वीडियो नहीं बनाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इंटरव्यू कर दिया भाई, बहुत कमाल हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल हो गया। तो अभी हम इंटरव्यू करके निकले हैं यार, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भाई मैं क्या बताऊँ, किस किस तरह तलाशी लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। खैर अभी निकलते हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो निकलने के बाद आपको बता दें यार कहाँ पहुँचे। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पता नहीं अभी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अभी देखते हैं रास्ते में उनको बनाना हो बनाएंगे, वरना नहीं यहाँ पे एंड होगा। 3 hours later मैंने कैसे गाड़ी चलानी है, तू गाड़ी चला दे यार। यार ये मैं पिछले बारह घंटे से ऑनवर्ड गाड़ी चला रहा हूँ और ये सोया है यार। नहीं मैं पिछले 12 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम सोयो, बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह यार हम गुजरांवाला तकरीबन पहुँच गए हैं और मगरिब का वक्त जो है वो गुज़र चुका है, तो अभी इंशाल्लाह अभी भी हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे मस्त हैं हमें लगेंगे हमारे शहर पहुँचते हुए। दुआ यार आप कर दें, हम अब पहुँच लिए आपको मिलते हैं। रिजवान रास्ते में सो गए, मैं 12 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और रिजवान साहब सो गए हैं, मैंने इसको उठाया अच्छे तरीके से। फिर खैर लोग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार, लाजमी कर दो, अली गिरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। शेर साहब अंदर ही बैठे, ये नहीं बाहर निकलते, इन्होंने कसम खाई हुई है भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई।